सबसे पहले हम डेटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी से पोर्टल पर लॉगिन होंगे, उसके बाद पीएफएमएस पोर्टल में बल्क कस्टमाइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे मास्टर्स पर, और मास्टर्स में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा बल्क कस्टमाइजेशन, और बल्क कस्टमाइजेशन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल, दूसरा होगा मैनेज। तो आप मैनेज को टच करेंगे, मैनेज को टच करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। फर्स्ट में आप अपने स्टेट की स्कीम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे उत्तराखंड के लिए हम यूके 207 समग्र शिक्षा अभियान को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट को आप ऐसे ही रहने देंगे। कस्टमाइजेशन नेम में आप कोई नाम दे देंगे, जैसे हम अभी बालिका शौचालय के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो हम कस्टमाइजेशन नाम दे रहे हैं GIRL गर्ल टॉयलेट TOILET। उसके बाद आप कंपोनेंट वाइज को टच करेंगे, इसमें कंपोनेंट का नाम हमें सेलेक्ट करना है। तो गर्ल्स टॉयलेट के लिए जो कंपोनेंट है वह है स्ट्रेंथिंग ऑफ स्कूल NR अप टू हाईस्ट क्लास 8। तो ये हमारा ऑप्शन रहा, स्ट्रेंथिंग ऑफ स्कूल NR अप टू हाईस्ट क्लास 8। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप वेंडर्स को सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे वेंडर्स के नाम आपके पास होंगे। आपने जिन जिन वेंडर्स को इस मद का पैसा देना है आप उनके नाम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वेंडर्स आपके पहले से जुड़े होने चाहिए। उसके बाद हम पेमेंट मोड में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे, और डिफॉल्ट अमाउंट में यदि आपने सभी वेंडर्स को समान मात्रा में पैसा देना है तो यहाँ पर आप उस धनराशि को भर सकते हैं, अन्यथा हर किसी को अलग अलग धनराशि पेमेंट करनी है तो हम यहाँ पर सेव पर टच करेंगे। तो यहाँ पर बोलता है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज चूज अदर नेम, तो हम गर्ल टॉयलेट की जगह हम बालिका शौचालय लिख लेते हैं, फिर हम इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब हम इन वेंडर्स को एक साथ पेमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एक्सपेंडिचर में जाकर आप एड न्यू पर टच करेंगे, आप स्कीम सिलेक्ट करेंगे। स्कीम सिलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर दयो कस्टमाइजेशन नेम आ जाएगा, जैसे हमने बालिका शौचालय लिखा था यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसे टच करेंगे, इसे टच करने के बाद आप जाएंगे लेटर नंबर डाल देंगे, जैसे हम डाल रहे हैं SMC03/4/2023। प्रस्ताव नंबर 3 है, 4 फरवरी 2023 को हमने इस संबंध में प्रस्ताव बनाया था। एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट में आप टोटल अमाउंट यहां पर भर लेंगे। सभी वेंडर्स का जो योग है यहां पर आएगा, हम कर रहे हैं 142,384। नरेशन में हम लिख लेते हैं GIRLS गर्ल्स टॉयलेट, और यहाँ पर जो हमने कस्टमाइजेशन बनाते समय कंपोनेंट डाला था वही यहाँ पर होगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे रेवेन्यू को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमने चार वेंडर्स वहाँ पर डाले थे उनका डिटेल यहाँ पर है। अब हमने इसका अमाउंट लेना है, जैसे हमने राठौर हार्डवेयर को अमाउंट देना है 71,632, तो हम यहाँ पर लिखेंगे।
ये डिटेल भरने के बाद आप नीचे सबमिट पर टच करेंगे, इस टाइप का पॉपअप आएगा, आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद नीचे से मैसेज आएगा, फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल। आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आपको डिटेल यहाँ पर पेमेंट की दिखेगी। यदि कोई गलती है तो आप रिसेट कर लेंगे, अन्यथा सही है डिटेल तो आप नेक्स्ट पर टच करेंगे। आप यहाँ पर पासबुक नरेशन में लिख सकते हैं किसको आपने किस किस चीज का पैसा दिया। नेक्स्ट पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें जिस चीज़ को आपने पे कर रखा है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर होगी, कितना कितना पैसा, उसके पासबुक का विवरण और जो पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पर डिटेल होगी। यदि ये डिटेल सही है तो आप सबमिट और अप्रूवल पर टच करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा, रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप इसे अप्रूव करने के लिए डीए की आईडी में जाएंगे।